हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी, उतना प्यार फिर से आप देने वाले हैं हमें। और आज जो ये चल रहा था जीएस, मतलब कि जीएस की जो हम क्वेश्चंस ला रहे हैं या क्लास जो ला रहे हैं, उस श्रेणी में अगर देखा जाए तो आज जो आपका टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और राष्ट्रीय हवाई अड्डे। आज का टॉपिक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हवाई अड्डे और राष्ट्रीय हवाई अड्डे। आज आपके लिए लाए हैं जितने भी हमारे देश में हवाई अड्डे हैं उसके ट्रिक लाए हैं, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको याद करा देंगे। ट्रिक के साथ ट्रिक ना इसको ये इसको हम ये कह देते हैं न्यूमोनिक मेथड, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमोनिक मेथड। ट्रिक में क्या होता है? ट्रिक में एक स्पेशल कुछ याद करना पड़ता है, उसे ट्रिक बोलते हैं। लेकिन न्यूमोनिक मेथड उसे बोलते हैं जिस तरीके में क्वेश्चन में ये आंसर क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो आइए देर न करते हुए आज क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। और एक बात और आपको बता दें कि अभी भी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बना होगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक। तो चलिए, और जितना हो सके आप हमें सपोर्ट अगर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर भी करते रहें, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारी कमियाँ क्या क्या हैं ताकि हम उसे सुधार कर अपने जो हमारे वीक पॉइंट्स है उसको हम मजबूत कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सबसे पहले इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैसे याद रखेंगे बताइए। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपका नई दिल्ली में कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। देखिए याद कैसे रखेंगे, इंदिरा लिखा ना, इंदिरा का मतलब देखिए इंदिरा यहाँ दीरा लिखा है, दीरा का मतलब समझे डरा, यहाँ डरा या डरा लिखा है कि नहीं, डरा का मतलब समझे डरा, कोई व्यक्ति डरा है और किसी के व्यक्ति के दिल में क्या है? डर है। दिल में क्या है? डर है। तो बस किसी के दिल में क्या है? डर है। तो मतलब दिल में मतलब दिल्ली, तो किसी के दिल में क्या है? डर है। इंदिरा इनका मतलब अंदर, इनका मतलब अंदर क्या उसके है? अंदर उसके डर है। बस याद हो गया इंदिरा मतलब अंदर से डरा हुआ है, मतलब उसके दिल में डर है। तो हो गया इसकी पहला का आंसर क्या हो गया? दिल्ली हो गया। क्या हो गया? नई दिल्ली हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है आपका मुंबई में है। कहाँ पे आपका? मुंबई में है। यहाँ पे अभी जल्दी आतंकवादी हमला भी हुआ था, ठीक। आपको पता होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या देखते होंगे, न्यूज़ समाचार सुनते होंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि छत्रपति शिवाजी जो है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुत आसान है, याद कर सकते हैं। आगे लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर, ये कहाँ आपका है? ये आपका नागपुर में। कहाँ पे आपका? नागपुर में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय लिखा है तो यहाँ का इसका मतलब ये टिक लगा है, इसका मतलब होगा कि वो बातें हमने लिखी नहीं है। अब कब तक लिखे? देखिए मार्कर लिखना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए हमने क्या किया है? टिक कर दिया। टिक का मतलब इसका मतलब ये होगा, डैश कर दिया इसका मतलब ये होगा कि इस डैश का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, इसका मतलब हवाई और इसका मतलब अड्डा। तो लिखा है बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए तो बाबा साहब अंबेडकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? तो आपका नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर में। कैसे याद रखेंगे देखिए ध्यान से, याद करने का तरीका देखिए, न्यूमोनिक मेथड सीखिए। तो न्यूमोनिक मेथड है आप भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बना रहे हैं आप उसी से याद कीजिए, लेकिन आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हम आपके लिए खुद बना के लाते हैं, बस आपको पढ़ना है और अपने आप क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक। चलिए क्या लिखा है बाबा साहेब अम्बेडकर, इसे देखिए पीछे देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैसे याद रखेंगे? नागपुर में। कैसे याद रखेंगे बताइए, कैसे याद रखेंगे? दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए दिखाइए, वो दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है बाबा साहब, ने लिखा है बाबा साहब बाबा मतलब कोई कहता है बाबा साहब कौन है, तो कहते हैं कि बाबा हे बाबा भोलेनाथ। कौन किसको बुला रहा है? कोई व्यक्ति है, किसे बुला रहा है? बाबा भोलेनाथ को बुला रहा है। अब भोलेनाथ किससे बचाएंगे? बाबा भोलेनाथ किससे बचाएंगे? अपने नाक से तो बचाएंगे भैया, उनका नाक उन्हीं के तो बस में होता है, और किसी के बस में होता है? नहीं होता है। तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि हे बाबा भोलेनाथ मुझे बचा लो, किससे बचाओ? नाक से बचाओ। तो नागपुर लिखा है ना, नागपुर। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर कहाँ पे हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे हैं? आपका नागपुर में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो आपका है अहमदाबाद में। कैसे याद रखेंगे देखिए लिखा है सरदार लिखा है सरदार लिखा है वल्लभ लिखा है और
वल्लभ भाई ने भाई भी लिखा है और पटेल यहाँ पर छूट गया, तो पटेल भी होता ही, आप तो जानते ही हो पूरा नाम इनका। देखिए वो व्यक्ति कैसा है, वो सरदार भी हैं, क्या हैं, सरदार भी हैं, और वल्लभ का मतलब उनके अंदर बल भी है, और देखिए भाई भी हैं, वो भाई भी हैं, और आगे चलेंगे तो पटेल लिखा है तो पटेल भी हैं, मतलब उनके पास चार चार पद भी है, चार चार पद भी है। अब किसी के पास ज़्यादा पद होती है, या कोई व्यक्ति ज़्यादा अपने आप में स्ट्रांग होता है, या कोई व्यक्ति के ऊपर जैसे कि कोई व्यक्ति ज़्यादा चर्चित होता है, ज़्यादा उसके पास धन दौलत या ज़्यादा उसके नाम होते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक तरह से उसके अंदर क्या होता है, अहम होता है, क्या होता है, अहम होता है। तो बस आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि सरदार भी हैं, बल भी है, और भाई भी हैं, पटेल भी हैं, इसका मतलब क्या है, इनके अंदर अहम होगा, तो बस अहमदाबाद। देखिए बात जो बता रहे हैं आपको केवल बात मात्र याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक, रियल में ऐसा कुछ है नहीं, बस आपके दिमाग को हम ऐसे न्यूमोनिक मेथड ऐसे बताते हैं ताकि आपके दिमाग में बातें घुस जाए और आप उसे याद कर सकें, ठीक। ऐसा जितना आप किसी का सम्मान करते हैं अपने देशभक्तों का, उतना हम भी अपने देश के नौजवानों का जो शहीद हुए हैं, सभी हमारे जो देशभक्त थे उनको हम भी उतना ही सम्मान हम भी करते हैं, ठीक। तो हमारी अगर बात हो क्षेत्र पहुंची तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये जो सब हम लाते हैं केवल आपको याद करने के लिए ही ये सब लाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा है गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे, तो गुवाहाटी में, कहाँ पे है, गुवाहाटी में, ठीक। चलिए कहाँ पे है, गुवाहाटी में। चलिए तो देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए अब गोपीनाथ का मतलब क्या हुआ, गोपीनाथ बारडोली, अब कोई किसी भी वो बार बार किसी में बैठा जा रहा है, देखिए लिखा है बारडोली, अब गोपीनाथ का गोपीनाथ नाम का कोई लड़का है, उसे बार बार कहाँ बैठा जा रहा है, बार बार डोली में, कहाँ लिखा है, बारडोली ना मतलब बार बार डोली में बैठा जा रहा है, जब बार बार जो डोली में बैठा जाएगा तो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो कहेगा वाह वाह, नहीं कहेगा वाह, तो बस यहाँ से याद हो गया, देखिए बीच में वाह लिखा है तो कहता है वाह कितना, मतलब कितनी हमारी इज्जत हो रही है, तो बस यहाँ से वाह आपको दिख जाएगा। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे या फिर कोई आपसे पूछेगा, तुरंत आपके मन में ये बातें क्लिक करेंगी और तुरंत आप सही टिक लगा देंगे, ठीक। चलिए आगे लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, तो कोलकाता में, कैसे याद रखेंगे, देखिए अब देखिए कोई नेताजी व्यक्ति है, कोई नेता है, नेताजी लिखा है नेता है, अब कोई नेता है तो पहले आपकी बातें बहुत सुनता है, सही, कोई भी नेता हो, हम किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन पहले जो नेता लिखा है ना, तो नेता मतलब कोई भी नेता जब होता है तो पहले आपकी बातों बहुत अच्छा सुनता है, लेकिन बाद में क्या करता है, बाद में आपकी वो कॉल भी नहीं उठाता है, क्या करता है, आपकी कॉल भी नहीं उठाता है, तो बस यहाँ से क्या लिखा है, कोलकाता, बाद में आपकी कॉल काटा लिखा है ना, काटा है मतलब कि बार बार कॉल आप करेंगे तो बार बार आपको कॉल क्या करेगा, जितनी बार आप कॉल करेंगे वो काट देगा, कोलकाता, कौन कोलकाता, नेताजी ने क्या किया, कोलकाता, तो बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है चौधरी चरण सिंह, तो लखनऊ में आए, कैसे याद रखेंगे, जिसे अमौसी बोलते हैं, अमौसी जगह का नाम है, अमौसी एयरपोर्ट इसको बोलते हैं, लेकिन देखिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा याद कैसे करेंगे, अब कोई व्यक्ति चौधरी है, चौधरी कहाँ होते हैं, चौधरी अक्सर गाँव में होते हैं, तो देखिए अब चौधरी के पास कोई जाता है, उनका क्या करता है, चरण पकड़ लेता है, चौधरी के चरण को किसी ने पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया, क्योंकि कहा उसने भैया मुझे लाख रुपए चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अब किसी भी कोई व्यक्ति जब परेशान होता है, पैसे रुपए इसकी तंगी आ जाती है, तो क्या करता है, किसी का भी पैर पकड़ सकता है, मतलब वही कहता है मरता क्या नहीं करता, जब किसी के पास समस्याएं आती हैं तो किसी के सामने भी अपना हाथ फैला देता है और उनके पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बस यहाँ से याद हो गया होगा कि चौधरी का हमने चरण पकड़ लिया, क्यों, क्योंकि हमें लाख रुपये की आवश्यकता थी, लखनऊ में लाख रुपये की आवश्यकता थी, इसलिए क्या किया, चौधरी चरण सिंह के चरण को पकड़ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा श्री गुरु रामदास जी, अब गुरु रामदास जी क्या हैं, सिख धर्म के गुरु थे, तो बस आपको यहाँ से याद तुरंत हो जाएगा कि ये तो सिख धर्म में आते हैं, मतलब कि अमृतसर से संबंधित हैं, तो ये तो अमृतसर से बात खत्म, और अगर ऐसे भी आपको याद नहीं आएगा तो देखिए अब गुरु के पास आपको क्या मिलेगा, गुरु के पास आप जब जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो आपको एक प्रकार का अमृत मिलता है ना, ज्ञान रूपी अमृत तो ही मिलता है, तो बस यहाँ से अमृतसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे, श्रीनगर में, कैसे याद रखेंगे, देखिए शेख अल आलम, अब देखिए अल आलम वहाँ पे आलम कैसा है, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल आलम कैसा है,
अब आलम वहाँ का बहुत ही अच्छा है, रंगीन आलम, बहुत अच्छा माहौल है। तो ऐसा आलम कहाँ का होता है? ऐसा आलम श्रीनगर में होता है, क्योंकि श्रीनगर को भारत का या फिर धरती का क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? स्वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर श्रीनगर में आलम बहुत अच्छा होगा, इसलिए लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में। देखिए हम पूरा आपको याद करा देंगे, आप हमें विश्वास रखिए। आप बस वीडियो पूरा देखिए, अगर याद नहीं होगा तो आप वीडियो डिसलाइक करके जाइएगा, वीडियो डिसलाइक करके जाइएगा। लेकिन अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो जरूर 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आप चैनल को डिसलाइक, अरे वीडियो को डिसलाइक कर दिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक। हमारी आपसे इतनी बस गुहार है कि आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको कितने लिए, आपके लिए कितना हम अच्छे तरीके से लाते हैं, लेकिन आप पूरा वीडियो देखते नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाइए। लिखा है वीर सावरकर, जैसे कि सावरकर में क्या है, सावरकर, सावरकर। अब कोई कहता है भैया सत सवर के कहाँ जा रहे हो, सत सवर के कहाँ जा रहे हो? तो देखिए वो कैसे सवर, कोई व्यक्ति कैसे सवरता है, सवरता, सावरकर लिखा है ना, वीर सावरकर, तो वीर सावरकर मतलब कि सावरकर, सावरकर। अब सवरे कोई व्यक्ति सत सवरे जाएगा, कोई व्यक्ति सजेगा, सवरेगा तो क्या पहनेगा, ब्लेजर पहनेगा कि नहीं पहनेगा, पोर्ट ब्लेजर पहनेगा। तो देखिए ब्लेजर आया, ब्लेयर, तो ब्लेजर से संबंधित है, बस यहाँ से आपको याद हो जाएगा। चलिए याद हुआ कि नहीं याद हुआ, आगे बढ़िए। लिखा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए अब कोई राजीव है, कोई मतलब कि राजीव का मतलब क्या होता है, राजीव, राजी, राजी, राजी का मतलब कोई व्यक्ति राजी है। जैसे आपने कहा कि भैया हमें पैसे दे देना इतने रुपये, कोई व्यक्ति राजी तो वो हो गया, हामी भी भर दिया, क्या ठीक है दे देंगे, लेकिन उसके 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 दिल में क्या होता है, उसके उसे डर रहती है ना, उसे वो डरा होता है, भले वो हामी भर देता है लेकिन डरा रहता है बस। तो है डरा, है डरा का मतलब है डरा, है डरा का मतलब है डरा, वो डरा है, वो डरा है लेकिन हामी इसलिए भर दिया, लेकिन कैसा है वो, डरा हुआ है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक। चलिए आगे बढ़े। लिखा है देवी अहिल्याबाई होलकर और इंदौर में, कहाँ पे ये, इंदौर में। कैसे याद रखेंगे देखिए, अब कोई कहता है कि अहिल्याबाई देवी अहिल्याबाई, ठीक, तो होलकर, होलकर का मतलब कोई कह रहा है कि होलकर, होलकर का मतलब कि, होलकर का मतलब होलकर लिखा है ना, होलकर का मतलब होल मिस होता है सुराख, तो कोई कहता है सुराख कर, कोई कहता है सुराख कर, तो क्यों सुराख करेगा, क्यों सुराख करेगा, क्योंकि क्योंकि सुराख करना है, और वो चोरी की पर्पज से, चोरी की पर्पज से क्या कर रहा है, सुराख करेगा। अब सुराख करेगा कहाँ, सुराख बाहर की तरफ करेगा कि अंदर की तरफ, बताइए आप ही, अंदर की तरफ करेगा, तो बस अंदर, अंदर से आपको समझ में आएगा इंदौर, इंदौर समझ में आता है, इंदौर का मतलब अंदर या इंदर, अंदर इंदौर जो समझ लीजिए, तो अंदर यहाँ से आपको मिल जाएगा इंदर या अंदर, ठीक। आपको याद जाएगा कि होल कहाँ करेगा, अंदर, तो इंदौर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैसे याद रखेंगे, देखिए ये तो वाराणसी में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था, यही वाराणसी के मुगल सराय में वो पैदा हुए थे। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, गांधी तिथि, गांधी जयंती के दिन ही कि इनका भी जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक। चलिए तो ये आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है चंडीगढ़ एयरपोर्ट या शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैसे याद रखेंगे, देखिए ये आपका है मोहाली में, चंडीगढ़ में, मोहाली में एक स्टेडियम भी है, मोहाली स्टेडियम, तो यहाँ से आप याद रखते हैं, कैसे याद रखेंगे देखिए। अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट तो ऐसे, अगर चंडीगढ़ केवल दिया तो चंडीगढ़, ठीक ये तो हो गया, लेकिन अगर केवल दे दिया, ये दिया नाम से चेंज हो चुका है, हो चुका है शहीद भगत सिंह। अब शहीद भगत सिंह हमारे क्या थे, शहीद देश, शहीद भगत सिंह जो थे हमारे देश के महान योद्धा थे, और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, किया कि नहीं किया बताइए, जो सच्चे देशभक्त होंगे वो उनकी वीर गाथा को जानते होंगे, आई बस समझ में। तो देखिए जो शहीद भगत सिंह जो थे, उन्हें आज भी उनका नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक मोह उठ जाता है, उनके प्रति प्यार उमड़ पड़ता है कि अरे वो इतने कम उम्र में हमारे देश के लिए, हमारे लिए वो शहीद हो गए, क्या हुए, शहीद हुए, उन्होंने शहीद, वो क्या हुए, शहीद हो गए और अपने प्राणों की आहुति दे दी हमारे देश के लिए, किसके लिए, देश के लिए। तो भैया जब शहीद भगत सिंह जैसे ही आएगा तो हमारे मन में उनके प्रति मोह उत्पन्न हो जाएगा, क्या उत्पन्न होगा, मोह, मोह का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब प्यार उत्पन्न हो जाएगा, तो बस आपको यहाँ से मिल गया मोहाली, मोह उत्पन्न हुआ, मोह का मतलब मोहाली में, आई बात समझ में, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो देखिए देहरादून में, कहाँ पे आइए, देहरादून में, कैसे याद रखेंगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे अटल बिहारी लिखा है ना,
अटल बिहारी, अब कोई बिचारी, अब कोई क्या है, अटल है, कोई क्या है, अटल है, अटल है। जब कोई चीज़ आपस में अपने आप में अटल है, और समझिए कि वो बिहार से, वो क्या है, बिहार से, तो आपको वो कैसा करेगा, वो अटल है, अटल सत्य है, अटल सत्य है, वो आपको दे हरा देगा, क्या कर देगा आपको, हरा देगा, वो आपको क्या करेगा, हरा देगा। तो देखिए हरा देगा का मतलब कि देखिए दे हरा, हरा देगा, हरा देगा, हरा देगा आपको, कैसे हरा देगा, कौन हरा देगा, जो अटल रहेगा वो हरा देगा आपको। आई बात समझ में, चलिए आगे चलिए आगे देखिए, एक तरीका और है, वाजपेयी का, वाजपेयी मतलब, वाजपेयी का मतलब विजयी हो जाएगा, विजयी हो जाएगा, विजयी कैसे होगा, जब आपको हराएगा तो मतलब देहरा, देहरा मतलब देहरा देगा, तो देहरा दून हो गया। आगे देखिए, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैसे याद रखेंगे, जैसे देखिए राजा भोज, भोज का मतलब क्या होता है, कहीं जब भोज होता है, कहीं भोज होता है, या कहीं भोज कहें या भंडारा कहें, जो भी आपके साथ आपकी तरफ जो कहा जाता है वैसे आप याद रखते हैं। और कहीं भोज होता है तो ऐसे देखिए, आपने देखा होगा, एक मिनट, आपने देखा होगा कि जब कहीं भोज होता है या भंडारा होता है, तो वहाँ पे भोज भंडारा से पहले क्या होता है, गाने बजते हैं, बजते कि नहीं गाने, और जब गाने बजते हैं तो वहाँ पे एक आपने देखा होगा ऐसे भोपू लगा होता है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा होगा, देखिए जहाँ पे भोज होता है वहाँ पे ऐसे भोपू लगा होता है कि नहीं होता है, ऐसे भोपू लगा होता है कि नहीं, बताइए ऐसे भोपू लगा होता है, बताइए सच में लगा होता है कि नहीं, इस प्रकार का भोपू, अब भोपू लगा था बस आपको याद हो गया, मतलब जैसे भोज आएगा, जैसे हम भोज में गए, भोज में हम गए तुमने हमें भोपू, भोपू का मतलब भोपाल, भोपू का मतलब भोपाल याद जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है राजा, सॉरी ये हो गया, आगे देखिए महाराजा नारा सिंह हवाई अड्डा, महाराजा नारा सिंह हवाई अड्डा, अब यहाँ से देखिए कैसे याद रखेंगे, नारा का मतलब क्या होता है, स्लोगन, स्लोगन नारा देना, नारा देना, कोई नारा किसी ने व्यक्ति क्या दिया, किसी ने नारा दिया कि अरे उधर मत जाना कोई गिर जाएगा, क्या करेगा, उधर मत जाना कोई गिर जाएगा, इन इन कोई गिर जाएगा, इनफाल, तो देखिए इनफाल का मतलब होता है गिरना, इनका मतलब अंदर, तो इनफाल लिखा है ना, तो कोई गिर जाएगा, किसी ने चिल्लाया, नारा किसी ने दिया क्या कि कोई गिर जाएगा, आई बात समझ में, किसी ने चिल्लाया कि कोई गिर जाएगा, या कोई इधर मत जाना कोई गिर गया है, कोई गिर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कैसे याद रखेंगे, अब देखिए ये बहुत आसान तरीका याद करने का, देखिए लिखा है ये कहाँ है, रायपुर में, कैसे याद रखेंगे, अब किसी के पास विवेक है, कोई विवेकों का, किसी के पास बुद्धि का बिल्कुल, कोई पास किसी के पास विवेक, बिल्कुल विवेक है, विवेकानंद मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि हो, देखिए जब किसी के पास बुद्धि होगी तभी तो कोई व्यक्ति उसे राय लेगा, बताइए जब बुद्धि नहीं होगी तो कोई आपसे राय लेगा, नहीं लेगा ना, तो इसका मतलब आपके पास विवेक होगा तो कोई आपसे क्या लेगा, राय लेगा, मतलब राय पूर, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है लोकनायक जन, लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा, लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा, तो देखिए जब आपको लोकनायक बनना पड़े, बनना अगर आप चाहते हैं, लोकनायक आप बनना चाहते हैं, आप लोगों के बीच नायक बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, नायक का मतलब क्या होता है, हीरो होता है कि नहीं होता है, आप लोगों के बीच में नायक बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, बताइए, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई ऐसे चालू कीजिए, तो देखिए देखिए कैसे याद करेंगे, लोकनायक आपके लोगों को, लोगों का आपको नायक बनना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मतलब पटना, पटना मतलब पढ़ना, पढ़ना का मतलब पटना, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलिए, लिखा है कैंपेगोंडा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक, तो कह रहे हैं कि कैंपेगोंडा लिखा है ना, कैंपेगोंडा, तो कैंपे कौन समझे क्या होता है, कैसे याद रखेंगे, लिखा है कैंपे, कैंपे का मतलब कैंप लगाए, कैंपे का मतलब कहीं कैंप लगाए, तो कोई पूछता है कि भैया कैंप कहाँ लगाए, तो ये कह रहे जाओ इधर बगल में लगाए, कहाँ लगाए, बगल में लगाए, बस याद हो गया, तो कैंप किधर लगा, देखिए लिखा है कैंपे, तो कैंपे का मतलब कैंप, कैंप किधर लगाए, भैया बगल में लगाए, बगल का मतलब बंगलुरु, बंगलुरु, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है दोबो दाबोलिम, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दाबो का मतलब क्या है, दाबोलिम, आपको किसी व्यक्ति ने दबा दिया है, दाब लिया है, दबा दिया है, ठीक, तो जब आपको कोई दबा देगा, दबा कोई रखेगा तो क्या करेगा, जब कोई आपको दबा देगा तो आपकी, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी, आप किसी के अंडर में रखे काम करते हैं तो आप उसकी बात मानते हैं कि नहीं मानते, मानते हैं, इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी को दबा देगा, दबा देगा तो वो क्या कहेगा, अगर वो कहेगा गो तो जाएंगे, कहेगा कम तो आएगा, कहेगा बैठ जाओ तो बैठेगा, कहेगा उठ जाओ तो उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा, तो बस यहाँ से याद रख सकते हैं कि दाबो मतलब कोई चीज़ ने अगर दाब दिया है आपको तो वो कहेगा गो, तो आपको गो होना पड़ेगा, वो कहेगा आ, आ लिखा है ना, तो आपको आना पड़ेगा, आई बस समझ में, तो आपको यहाँ से याद हो गया होगा। आगे देखिए कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट केरल में पड़ता है, तो सबको पता होगा, यहीं पर सबसे पहले विदेशी आए थे और यहीं से तब वो लेके गए थे, क्या नाम है,
मसाला यहीं से लगे थे, कालीकट से, कालीकट केरल में पड़ता है। तो आप याद रख सकते हैं कालीकट केरल में, ठीक। तो यहाँ से आपको केरल जो कोझिकोड जो लिखा है, ये कोझिकोड आपका केरल में ही पड़ता है। चलिए आगे देखिए, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अन्ना जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका चेन्नई में, कैसे याद रखेंगे बताइए, कैसे याद रखेंगे? देखिए अन्ना, चना को गाँव में बोलते हैं चन्ना, चन्ना को गाँव में क्या बोलते हैं? चन्ना। तो अन्ना ने खाया चन्ना, अन्ना ने खाया चन्ना, मतलब चन्ना का मतलब चेन्नई। आई बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको जितना हमने बताया वो याद भी हो गया होगा। इसके बाद आपके लिए MCQ लाएंगे दो तीन, अब MCQ आप देखिएगा, आप खुद देखिएगा कितना आपको समझ में आया, ठीक। तो अच्छा, अगर वीडियो को पसंद आती हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हम तो ही चाहते हैं कि आप हमें लाइक कीजिए। अगर लाइक आपको नहीं करना है, आपको नहीं पसंद आ रही है, वीडियो गंदी है या आपको कोई कमी है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और आप हमें अपना सुझाव भी कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग अभी भी नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करते रहें, वीडियो शेयर भी करते रहें, लाइक करते रहें, डिसलाइक करते रहें, आपकी जो इच्छा वो करते रहें, ठीक। तो ठीक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।